नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियों के जो भी भावी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में दिख रहे हैं, जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं और बिहार न्यूज एक्सप्रेस ऐसे भावी प्रत्याशियों से लगातार आपको रूबरू कराएगा। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो समाज सेवा काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, एक चिकित्सा पदाधिकारी है, बढ़िया के निवासी है और बढ़िया में गरीब अस्पताल के नाम से एक अस्पताल चलाते हैं जहां गरीबों की मदद करते हैं। जो भी गरीब तबके के लोग आते हैं उनको इलाज में मदद करते हैं। हम आपको परिचय करा रहे हैं डॉक्टर अशरफ अली से, हमारे साथ आज बिहार न्यूज एक्सप्रेस में जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत है बिहार न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, सभी को धन्यवाद, आप लोगों को और आपके सभी सहयोगियों को मेरा धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। आप डॉक्टर हैं पेशे से, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, काफ़ी दिनों से समाज सेवा भी कर रहे हैं और अब राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो हर एक आदमी की अपनी सोच होती है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। वो जितना ही अपने आप को किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण होता है या परिपूर्ण पाता है वो उस कार्यों को करने में सक्षम होता है और अपने आप को अग्रसर करते चला जाता है। अगर मान लीजिए कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में था तो उधर मैंने अपने आप को परिपूर्णतापूर्वक अपने चिकित्सा व्यवस्था को चलाया और अपने अंदर मैंने कुछ ऐसा पाया कि मैं समाज का सेवा कर सकता हूँ, समाज मुझे एक्सेप्ट करती है, तो मैं अब अपने आप को इस राजनीति क्षेत्र से भी इस समाज को सेवा करने के लिए समझता हूं कि मैं परिपूर्ण हूं तो करने की कोशिश कर रहा हूं। बढ़िया विधानसभा चुनाव से आप भावी प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच जाएंगे, क्या आपका मुद्दा रहेगा लोगों के बीच? जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? वोट मांगने के लिए जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो जनता की बहुत सी समस्याएँ हैं। जैसे मैंने एक बार और किसी से कहा था कि अगर आप समस्याओं की गिनती करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हम गिनती करने लगेंगे तो फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा। बस यूँ जानिए, लोगों के पास बहुत सी समस्याएं नहीं है, समस्याओं को गिना नहीं जाता है, जनता समस्याओं को कह नहीं रही है, बल्कि जनता इन सारे समस्याओं में, समस्याओं के जाल रूपी समस्या में उलझ गई है। हम क्या कहें, ये हर एक जनता जानती है कि उसके सामने कितनी समस्याएँ हैं। बस हम यूँ ही जाते हैं जनता के बीच में और जनता ये जानती है कि डॉक्टर साहब किस प्रवृत्ति के, किस विचार के, किस व्यवहार के हैं। ये हमारे बीच में हमारे हर एक समस्याओं से जूझने वाले हैं और उनका समाधान करने वाले हैं। इसीलिए जनता मुझे अपने आप को अपना बना करके और हमको सहयोग करने के लिए तैयार है। बढ़िया विधानसभा से आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं, भावी प्रत्याशी हैं। बढ़िया के जो वर्तमान विधायक है सीएम नीतीश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, लेकिन रोड की हालत देखी जाए जैसे बढ़िया जामो रोड हो गया, ऐसे बहुत सारे रोड है काफ़ी जर्जर स्थिति में हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार विकास की लगातार बातें करते हैं, क्या लगता है बढ़िया में विकास हुआ है? देखिए, ये जहाँ तक सवाल है विकास की बात, मुख्यमंत्री महोदय हुए या हमारे विधायक महोदय हुए, तो हमारे नज़रों से अगर आप विकास की बात करेंगे तो उसको तो आपने भी गिनती करा दिया। लेकिन ये अकेला मेरा समस्या होगा ना, जामो रोड का समस्या मेरा है, उससे संबंधित लोगों का है, किसी और रोड से भी बहुत सारी समस्या आ सकती हैं, गांव के स्तर से भी बहुत सारी समस्या आ सकती हैं, बढ़रिया बाज़ार से बहुत सारी समस्या आ सकती हैं, आपको प्रशासनिक विभाग से, ब्लॉक का विभाग हो या हमारे हेल्थ से भी, जनता के बीच में बहुत सी समस्याएँ हैं। तो जो सरकारें हैं वो अपनी 50 दावा कसती हैं कि हम ये किए, हम ये जनता के लिए लाभ दिए, हम ये लाभ दिए, लेकिन आप जो दावा करते हैं जनता कहाँ तक आपसे संतुष्ट है, ये सारी बात उस पर निर्भर करता है। आज जनता जो है सरकार के सारे एजेंडाओं से, सारे कार्यक्रमों से असंतुष्ट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाइए, रोड का फील्ड हो है ना, गरीबी का हो, मजबूरी का हो, आपको जो प्रवासी बन के आए मजदूर, मजदूरों की समस्याएं हो, प्रशासनिक समस्याएं हो, हर एक जगह जनता कहीं ना कहीं असहजता महसूस कर रही है। और ये जनता का असहजता महसूस करना ही समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं है। और इन सारी समस्याओं से हम भी जूझ रहे हैं जितनी जनता जूझ रही है, हम और जनता दोनों एक हैं। हम
बस अपने जनता के बीच से थोड़ा अलग हटकर इन जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और इस राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के मैं जनता के हर एक समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। इस बात से हमारी जनता 100% रूबरू है और वो जानती है कि डॉक्टर साहब अगर हमारे प्रतिनिधि बनेंगे, हमारे विधायक बनेंगे, तो वो हमारे समस्याओं का समाधान करेंगे। आप चिकित्सा पदाधिकारी है, बीच के लॉकडाउन के आसपास जब ताली थाली बजाने का जो कार्यक्रम चल रहा था राजद का, उस दौरान आपके आपके ऊपर सीएस सिवान सीएस द्वारा शोकज भी किया गया था, काफ़ी मामला ये चर्चा में आया था, आखिर क्या मामला था वो? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला नहीं है, यहाँ पर दोनों बातें हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया कि हम अपने पूरी हिंदुस्तान के जनता को जागरूक करेंगे ताली थाली बजा करके, बिजली बुता करके, तो हम सभी कर्मचारी अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के आज्ञा के अनुरूप ताली थाली बजाए। तो वहाँ ताली थाली सब लोग बजाए तो वो अच्छा है, वो ठीक है। माने मैं ये सवाल करता हूँ, हमने बजाया ताली थाली, हमने बजाया माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के आज्ञा पर, आह्वान पे हम लोगों ने कैंडल भी जलाया, सब कुछ किया। लेकिन जब मैं एक हिंदुस्तान का, बिहार का, बढ़रिया विधानसभा का एक नागरिक हूँ, तो एक नागरिक के होते हुए मेरी ये स्वतंत्रता है और स्वाधीनता है कि मैं किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहूँ। तो आप जैसे किसी पार्टी से जुड़े होंगे, ये श्रीमान किसी पार्टी से जुड़े होंगे, मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, ये क्लियर कट है कि मैं राजद से जुड़ा हूँ। तो मैं अपने पार्टी के थ्रू होकर के अपने पार्टी से अगर समाज का सेवा करता हूँ तो क्या बुराई है? मेरी पार्टी आह्वान की कि ताली थाली बजा करके हम मजदूरों के समर्थन में, मजदूरों के लिए सरकार को करेंगे, खबर करेंगे, सरकार का आँख खोलेंगे, कान खोलेंगे, ताकि वो मजदूर। क्या आपके मामले में राजनीति साजिश की गई? मैं तो अब ये क्लियर कट नहीं कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक साजिश है या हमारे पदाधिकारियों पे कहीं ना कहीं से दबाव है, लेकिन हम अपने पदाधिकारी का स्वागत करते हैं। मेरे पदाधिकारी हैं, मैं सरकारी नौकर हूँ, वो हमको जैसा आज्ञा देंगे उसके अनुरूप चलना है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैंने थाली और ताली इसलिए नहीं बजाया कि मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं ताली और थाली इसलिए बजाया कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवी हूँ, राजद पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कर्मचारी हूँ फिर भी स्वतंत्र हूँ अपने अधिकार के अनुरूप कि मैं ताली थाली अपने कार्यकर्ता होने के नाते मैं बजा सकता हूँ, समाज को जागरूक कर सकता हूँ, ये सामाजिक काम है। चलिए, आप राजद से उम्मीदवार हैं, भावी प्रत्याशी हैं, अपने आप को दावेदार पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर बढ़रिया की सिर्फ बात की जाए तो लीलावती गिरी भी भावी प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को सामने कर रही हैं, मोहम्मद कैफ और बंटी जो क्रिकेटर है वो भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो राजद से दावेदारी कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, टिकट के लिए दावेदारी करना या प्रतिनिधित्व के लिए दावेदारी करना, हम सब आज़ाद हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम भारतीय नागरिक हैं और आज़ाद हैं, हमें स्वाधीनता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दावेदारी करना कोई बुरी बात थोड़े है, वो एक कार्यकर्ता हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं, वो क्यों नहीं दावेदारी करेंगे? उनका दावेदारी करना ये उनके हक और अधिकार का बात है, हमारा दावेदारी करना ये मेरे हक और अधिकार की बात है। लेकिन इस दावेदारी की सफलता दो जगह माने रखता है, दो जगह इम्पोर्टेंस रखता है। एक तो जनता के बीच में कि जनता किसको चाहती है और किसको पसंद करती है, जनता किसको विजयी बनाएगी, किसको वोट देगी, और दूसरे इन सभी चीज़ों को देखते हुए, ख्यालात में रखते हुए, निगाह में रखते हुए, जो पार्टी के आला अधिकारी होते हैं, जो भी पदाधिकारी होते हैं, जिलाध्यक्ष हुए या जो भी हुए, तो ये सभी लोग, जैसे मान लीजिए कि हमारे सिवान के जितने आला अधिकारी और पदाधिकारी हैं, उसमें जितने सम्मिलित लोग हैं, जैसे आपको अवध बिहारी चौधरी जी हुए माननीय मंत्री जी, और आपको माननीय अध्यक्ष जी हुए श्री परमात्मा राम जी, हमारे मान लीजिए कि मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य नेता सिवान के श्री साहबुद्दीन साहब हुए या हेना साहब हुई, तो इन लोगों के विचार पर निर्भर करता है ना, वो किसको टिकट देंगे। तो वो अगर हमको टिकट देंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ,
और मैं उनके द्वारा इस दिए हुए बोझ को, इस दिए हुए इस जिम्मेवारी को मैं भली भांति निभाऊंगा। फ्यूचर अगर दूसरा कोई इसमें करता है, अगर उनको भी वो टिकट देते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। अगर लीलावतीगिरी आती हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे, हम जनता के बीच में हैं। अब जनता उनको समर्थन करेगी कि नहीं, ये तो जनता की बात है। अगर राजद नहीं टिकट देता है तो ऐसा माना जाए कि डॉक्टर अशरफ अली निर्दलीय जनता के बीच चुनाव में जाएंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं श्री लीलावतीगिरी का, श्रीमती लीलावतीगिरी का समर्थन करूंगा, ठीक है। इसका मतलब हाँ, कोई भी हो जो राजद से टिकट लेकर के आता है उसका समर्थन, इसका मतलब सीधे सीधे ये साफ हो जाता है कि डॉक्टर अशरफ अली को अगर पार्टी टिकट देगी तो ये चुनाव लड़ेंगे, और नहीं देगी तो मैं राजद का वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ, मैं वोट दूंगा, सपोर्ट करूँगा। लोगों से क्या अपील करेंगे, बड़हरिया विधानसभा की जो जनता है उससे क्या अपील करेंगे? हमारी यही अपील है कि आपके बीच में बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, आप सभी जनप्रतिनिधियों में हमको भी शामिल कीजिए और सब में तुलना कीजिए कि किसका विचार, किसका व्यवहार कैसा है, कौन आपके बीच का है, कौन आपके बीच में रह करके आपके समस्याओं को समझेगा, कौन आपके बीच में रह करके आपके साथ कदम में कदम मिला करके समय को व्यतीत करेगा, है ना। उस तरह का प्रतिनिधि ढूंढिए, उस तरह का नेता ढूंढिए और उसको आप सपोर्ट कीजिए। मैं कहीं भी जाता हूँ, करबद जब प्रार्थना करता हूँ जनता से, तो जनता एक आवाज़ में कहती है कि बस एक आदमी है, वो है डॉक्टर अशरफ अली जी। अगर डॉक्टर अशरफ अली साहब को राजद टिकट देती है तो बहुत अच्छा है, सीट श्योर निकलेगा। अगर दूसरे को टिकट देती है तो वहाँ पर सीट संदेहात्मक हो जाएगा। ये तो जनता की आवाज़ है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अशरफ अली थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो वो पार्टी उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, टिकट मिलेगा तो निश्चय ही इनकी विजय होगी। अब देखना है कि आने वाले समय में राजद इन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है कि नहीं। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।